नमस्ते, मेरा नाम धारिणी एस कुलकर्णी है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ रही हूँ। कल मेरे पापा ने एक पुस्तक लेकर आए तो मैंने पूछा ये क्या है। तब मेरे पापा ने बोला यह मोदी जी ने लिखा हुआ पुस्तक है। तो मेरे पापा ने बोला यह इसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। मैंने पूछा इसका नाम एग्जाम वॉरियर्स क्यों रखा है। मेरे पापा ने बोला एग्जाम से हम सब लोग डरते हैं। इस पुस्तक में हमें कैसे एग्जाम को फेस करना है ऐसे उस पुस्तक में है। तो मैं बहुत खुश हुई और उसमें उसे पढ़ने लगी। उसमें मुझे दो चैप्टर बहुत पसंद आए। देखते एग्जाम एज फेस्टिवल, इसमें यह है हमें एग्जाम को फेस्टिवल जैसे लेना है। अगर हम फेस्टिवल में दिवाली में बहुत खुश होते ऐसे ही एग्जाम आता है तो हम डर जाते हैं। हमें ऐसा नहीं, जैसे फेस्टिवल में हम खुश है वैसे ही हमें एग्जाम भी ऐसे ही फेस करना है। और मुझे दूसरा पसंदीदा चैप्टर है इफ यू चीट यू विल बी चीट। उसमें क्या है, अगर हम एग्जाम में किसी के साथ चीटिंग किया, अगर हमने दूसरों का आंसर कॉपी किया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे का आंसर रॉन्ग हुआ तो हमारा भी रॉन्ग होता है ना। इसलिए हमें हमेशा चीटिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम चीटिंग करेंगे तो हम चीप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोग एग्जाम वॉरियर्स बुक पढ़िए और खुशी खुशी एग्जाम को फेस कीजिए। मैं मोदी जी को धन्यवाद कहती हूँ सब बच्चों से। धन्यवाद।